कहाँ पे डर है? पानी ले आओगे तो सर जा। बोतल नहीं है तुम्हारे साइकिल में भी स्क्रैच हुआ वो है तो बोलो 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 पैसा नहीं लगेगा। सो है गाइज वेलकम टू नेक्स्ट ब्लॉग। आज का वीडियो है कुछ इस तरीके से कि ये है 3M का स्क्रैच रिमूवर और ये रहा स्क्रैच, देख सकते हैं यहाँ पे है यहाँ से यहाँ तक ये रहा और ये रहा। अब देखते हैं कि इससे इस पेस्ट से निकल पाता है कि नहीं। तो गाइज चलिए देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो ये किस चीज़ का है भाई? डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड साफ करने के लिए है। और ये किस चीज़ का है? ये टायर ड्रेसर है जो ब्लैक होता है वो चीज़ करने के लिए। और ये किस चीज़ का भाई? ये वो आलसी लोगों के लिए शाइनर है, ऑल इन वन शाइनर। ये सब चीज़ में यूज़ हो जाएगा, शाइनर का काम करता है। और ये गाइस कार वॉश शैम्पू है, देख सकते हो 3M का। और भी कुछ है? और तो कुछ नहीं दिख रहा, ख़त्म हो गया। सो गाइस भाई ने सारे जुगाड़ ले रखे हैं और मेरे को कॉल किया, इसने बोला कि भाई चलो स्क्रैच लग गया है गाड़ी में तो इसका ब्लॉग भी बना लेते हैं और स्क्रैच रिमूवल का काम भी हो जाएगा गाड़ी का। सो गाइस मुझे भी लगा इसका बनाना चाहिए, आप लोगों तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो सोचते रहते हैं कैसे स्क्रैच हटाएं ये वो। उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि भाई 3M का प्रोडक्ट आता है और भी मार्केट्स में है प्रोडक्ट्स, आप लोग जो भी सही लगे आप लोग यूज़ कर सकते हो। मुझे तो ये सही लगा इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। सो मिलते हैं गाइस, दिखाते हैं आप। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप रब करो कपड़ा से तो ये नहीं कि जहाँ पे स्क्रैच नहीं भी है वहाँ पे भी एकदम जोर जोर से रगड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ का फिर क्या होगा कि वहाँ का पेंट का साइन निकल जाएगा। अच्छा तो इसको मतलब देख सकते हो। अच्छा तुम रगड़ के दिखा दो कैसे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट क्या आता है, लेट्स सी। क्या लगता है रिजल्ट आएगा कुछ? देखो होगा करो तो पहले, रिजल्ट तो जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। सो अभी तो जितना माइनर था वो सब तो चला गया आई थिंक, है ना? जितना माइनर दिख रहा था काफी कुछ गया भाई, देख सकते हो गाइस। एकदम क्लीन हो गया भाई एकदम क्लीन हो गया भाई अरे बहुत सारा YouTube पे वीडियो देखे थे, वो लोग क्लीन नहीं हुआ था, लेकिन लगता है कि अच्छे माइक्रो जानते हो उसका क्या है? क्या? माइक्रो फाइबर क्लोथ से इसको रब नहीं करना है, इसको कॉटन से करना है, है ना? हम जो वीडियो देखे हैं माइक्रो फाइबर से रग रहा है ना उसका बिल्कुल भी साफ नहीं है, कॉटन से सही रहेगा, परफेक्ट रहेगा। कॉटन से ही पूरा फिनिश आता है एकदम सही वाला, देखो देख सकते हो गाइस नजदीक से। हल्का सा खाली यहाँ पे भी रह गया है, एकदम हल्का सा, जितने भी स्क्रैच थे वो गए। हाँ ये नहीं जाएगा, पेंट वाला नहीं जाएगा, पेंट जहाँ निकल गया वो नहीं जाएगा। तो गाइस नॉर्मल जो स्क्रैचेस हैं वो तो चले जाएंगे, जिसका पेंट निकल गया है वो मुश्किल है जाना। तो देख सकते हो आप लोग, हाँ एक और जगह है। तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है 3M स्क्रैच रिमूवल के लिए। सो गाइस जो लोग भी देख रहे हो इस वीडियो को, आई विल रिकमेंड कि 3M का प्रोडक्ट यूज़ करो फॉर स्क्रैच रिमूवल, क्योंकि मेरे लिए बेनिफिशियल है। गाइस ये स्पॉन्सर कोई वीडियो नहीं है, स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, जो हमारा रिज़ल्ट मिला हमें
उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। बाकी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग जो कोई भी यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही प्रोडक्ट यूज़ करो, बट हमें जो अच्छा लगा वो हम दिखा रहे हैं आपको। तो गाइस दिखाते हैं फाइनल रिजल्ट आपको थोड़ी देर में। गाइस कंप्लीट हो चुका है और आप लोग देख सकते हो स्क्रैच सारे चले गए हैं, जो डीप स्क्रैच हैं आप लोगों को जैसे मैंने दिखा रखा था पहले, आपने देख रखा था स्क्रैचेस लगे हुए, आप लोग देख सकते हो ये जो डीप है, डीप नहीं जा रहा है क्योंकि डीप पूरा पेंट का ये उड़ चुका है, तो डीप नहीं जाएगा। जो माइनर स्क्रैचेस वगैरह आप लोग देख लो गाइस, तो माइनर स्क्रैचेज है वो एकदम चकाचक वापस से फिर से चकाचक हो चुका है और कहीं भी स्क्रैचेस अब नहीं दिख रहे हैं। सो गाइस मैं स्पॉन्सर तो नहीं कर रहा इस प्रोडक्ट को, बट आई विल रिकमेंड कि जो लोग भाई परेशान हो स्क्रैचेस एंड ऑल से, तो आप लोग एक बार 3mm का भी प्रोडक्ट यूज़ करके देख सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, भाई लगा पड़ा है साफ करने में। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, और जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस और शेयर करो दोस्तों में, और ऐसे ही प्यार बढ़ाए रखो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टेक केयर गाइस।